और अभी हम जा रहे हैं फैसल को स्टेशन पे उतारने, और फैसल साहब आज जा रहे हैं यहाँ से नरीता एयरपोर्ट, और हम उन्हें बस स्टेशन तक उतारेंगे और खुदा हाफिज़ करेंगे। फैसल साहब हमें दगा दे गए हैं और कहते थे हम इधर ही रहेंगे, लेकिन वो जा रहे हैं। ये आए हैं जी फैसल साहब। फैसल साहब आपका पीए किधर है आपका? ये आ रहा है बैग लेके। वो देखे पीछे से एक बंदा। फैसल साहब फिर नहीं लगा दिला आपका जापान में? नहीं, मेरा तो दिल लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरा जो है ना इससे बड़ा काम हो गया था। मैं कहता हूँ फिर जापान को बाय बाय बोल देते हैं, वो अच्छी बात है। वो हम आपको बाद में बताएंगे क्या काम हुआ है। छोटे जल्दी आओ ना, छोटे जल्दी करो। ये हमारा छोटू है, वैसे हम सबसे लंबा है। ये छोटू आ रहा है। छोटू किधर की तैयारी है? कहाँ की तैयारी है? बस मैं गया ओकिनावा आपके ये भी। ओकिनावा। कासम कोई काम नहीं कर रहा, और सिर खड़े होके मैं देख रहा हूँ। और हम आपको अपने पौधे दिखाते हैं साथ। हाँ जी करना और? नहीं नहीं बस। फैसल साहब कैसा रहा है आपका टूर जापान को? फिर आप वापस जा रहे हैं? टूर बहुत अच्छा रहा है जापान का। जापान आना चाहिए आपको भाईजान। और बस अगर आपका कोई अच्छे वाला काम बन जाता तो फिर नहीं रहना चाहिए आपको। फिर नहीं रहना चाहिए जापान, फिर आपको निकल जाना चाहिए, बाहर हो जाए, भाग जाए। फैसल साहब मौसम अच्छा है। कासिम भाई हमारे व्यूअर्स को बता देंगे फैसल भाई अब जा रहे हैं पक्के पक्के, अब व्लॉग में ये नजर नहीं आएंगे। दो तीन व्लॉग का सहारा था बस, दो तीन ये लास्ट व्लॉग है। फिर उधर से कभी कभी आपको वीडियोस आ जाएंगी नहीं इनकी, तो हम वो एडिट करके जापान में दो लगा दें। ये जापान की सरजमीन पे जो है ना इनका आज लास्ट, जापान और प्लस दुबई के व्लॉग जो है ना इकट्ठे आपको एक ही पेज पे मिला के रहेंगे। समझ ना आया। ये अब हम आ गए स्टेशन के पास। आसम भाई देखे साइकिल स्टैंड, और आपको पाकिस्तान में ऐसी साइकिलें घूमती भी नजर आएंगी। ये गायब हो जानी। ये गायब। अब हम पीछे गाना बोलेंगे, बहती हवा का था वो, उड़ती पतंग से था वो। और यहाँ तक था हमारा सफ़र फैसल के साथ। आप ये यहाँ से जाएंगे, हम चलें आपको दिखाते हैं टिकट भी कैसे लेते हैं। हाँ लोग कहते हैं हम जापान में कैसे रहते हैं ऐसे। ये देखें ट्रेन स्टेशन JR। ये जी अब हमारे कासम भाई फाइनली, और हमारा बाय बाय। ओके सर जी, ओके खुदा हाफिज़। जस्ट हमें अपडेट करते जाना साथ साथ। ये जी हमारा बाबा जी सियालकोट चले गए हैं। कासम ये स्टारबक्स पे दुनिया क्यों मरती है, इसमें ऐसा क्या है? गुडविल का पैसे हैं, हम तो यहाँ रह के भी 7-Eleven ही पी रहे होते हैं।
कोई जब ब्लर कर देते हैं ना, तो इसलिए इधर तो व्लॉगिंग करनी भी बड़ी खतरनाक है सर जी, आप लोगों की प्राइवेसी खराब कर रहे हैं। वो ज़्यादा थोड़े फ्रेंडली हैं तो ये ज़रा डिपेंड करता है, फिर आपकी बिस्ती होते हुए टाइम नहीं लगता, ऊपर से हम हैं भी तो पाकिस्तानी है यार। ये ना इसमें दुकानें वगैरह हैं, काफ़ी चीज़ें वगैरह। ये देखिए जी, ये फैसल स्टेशन के अंदर पार्किंग लंबी सी यार, आप ये देखें कैसे गाड़ियां लगी हुई हैं। और ये इनका जो रिवर्स वाला तरीका है ये बहुत ज़बरदस्त है, क्यों कासम भाई? इजीली अपनी गाड़ी निकालो, इधर से पहचानी जाती है। और ये भी बड़ी सस्ती सी पार्किंग है और फिर भी सफाई है, आप देखें कसम ये गाड़ी हमारी बदल नहीं गई, ये ले लिया, प्यारी नहीं होगी। वापस हम अपनी आ गए हैं बसंती में जी। ये है दिखान, ये क्या चीज़ है भाई? ये सर पार्किंग पे करेंगे। अच्छा सर, ये कार्ड है, ये हम इसमें डालेंगे और ये अब हम बताएगा हमें कितने की ठुकी है। 100 रुपये की सस्ती पार्किंग, पाकिस्तानी 200 रुपये की। ये है हमारा ओहो 100 येन का सिक्का और हमें यहाँ से इजाज़त मिल जाएगी। इधर कोई हाजी साहब कोई चोई साहब नहीं खड़े हुए यहाँ। रस्ते पे रुकेंगे हम बैंक, क्योंकि हमने देना है किराया और पैसे निकालेंगे, और इसकी हम आपको डिटेल बाद में बताएंगे जापान में एटीएम से पैसे किस तरह निकलते हैं। अब फैसल हमें नहीं रहा, हम आ गए हैं घर वापस, फैसल को उतार के सारे काम शाम करके, और फैसल अब हम में नहीं रहा। फैसल कासम भाई, फैसल अब चले गए, अब हम भी नहीं रहे, अब हम ही रह गए हैं बस। और आज का व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करेंगे। खुदा हाफिज़।